बिग बॉस 14 के इस वीकेंड के वार पे होगा एक ऐसा एविक्शन जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। जी हाँ, संडे एपिसोड में जहाँ एविक्शन के लिए चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को गार्डन एरिया में खड़ा किया जाएगा और बाकी सभी घर वाले घर के अंदर ही रहेंगे, जहाँ सलमान खान सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे अली गोनी और रूबीना दिलेक को इस नॉमिनेशन से सेफ। वहीं जैस्मिन भसीन और अभिनव शुक्ला बचते हैं बॉटम टू के लिए। इससे पहले कि सलमान डिक्लेयर करे इन दोनों में से कौन एविक्ट होगा, अभिनव रूबीना से और जैस्मिन अली से गले लगती है, जहां अभिनव को कहीं न कहीं ये यकीन था कि जैस्मिन की जगह वे ही एविक्ट होंगे। वे रूबीना को रोने से मना करते हैं और स्ट्रॉन्ग खेलने के लिए कहते हैं और अपनी 100 दिन की जर्नी को दाद देते हैं। वहीं अली भी सदमे में है कि मैं बच गया और जैस्मिन कैसे एविक्ट हो सकती है। वहीं सलमान खान डिक्लेयर करते हैं कि जैस्मिन भसीन एविक्ट होती है, जहां इतने सीजन्स में पहली बार सलमान खान की आंख में आंसू आएंगे और जैस्मिन का एविक्शन अनाउंस करना उनके लिए भी दर्दनाक होगा। जी हाँ व्यूअर्स, जैस्मिन भसीन के एविक्ट होते ही घर के सभी मेंबर्स के आंख में आंसू थे। इस एविक्शन से घर के हर एक कंटेस्टेंट को शॉक लगने के साथ साथ बहुत दुख हुआ और जिस तरह से सलमान दुखी हुए हैं, ऐसा नहीं लगता कि जैस्मिन फिर से लौटेंगी। तो व्यूअर्स क्या कहेंगे आप, जैस्मिन भसीन का एविक्शन फेयर है या बिल्कुल ही गलत?